तो हाउ दे शुड प्रिपेयर फॉर अप्रैल अटैम्प्ट फ्रॉम माइनस टू मार्क्स टू 240 मार्क्स इन जेई में यस यू हर्ड इट राइट बट कैसे कैसे हुई इतनी इम्प्रूवमेंट तो चलिए जानते हैं ये उसी इंसान से जिसने इतना इम्प्रूव किया है बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को सेव कर लो हेलो विनीत हाउ आर यू कैसे हो? Hi, Didi, awesome. you? Okay, जी तो मेरा नाम है विनीत नकड़ा और मैं राजस्थान से हूँ इस समय मैं एन आई टी रावकेला के कैंपस में बैठा हुआ और ये आपके साथ वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं एन आई टी रावकेला में कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ दो हजार तेईस से दो हज़ार सत्ताईस okay. के बी टेक की डिपार्टमेंट में और अभी मैंने यही दो हज़ार तेईस दिया था उसमें मेरी नाइन्टी नाइन पॉइंट सेवन सेवन परसेंट आईल थी ऑल इंडियरिंग दो हज़ार सात सौ बाईस और एडवांस में थी पाँच हज़ार तीन सौ दस

सबसे पहला ही क्वेश्चन ये है कि माइनस टू टू नाइन नाइन पॉइंट सेवन परसेंट आईल इतनी बड़ी इंप्रूवमेंट कैसे कर लिया आपने एंड वॉट मिस्टेक्स यू हैव मेड इन इन फर्स्ट एंड हाउ यू करेक्टेड इट विनीत का आंसर सुनने से पहले लेट मी टेल यू अ वेरी यूजफुल थिंग फॉर जेई 2024 फिजिक्स वाला का जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स 2.0 एंड वरुण जेई एडवांस का कोर्स दोनों ही लाइव है जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स आपका वन फोर नाइन नाइन में है एंड वरुण जेई एडवांस आपका सिर्फ फोर नाइन नाइन का है इंडिया के टॉप एडुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं हफ्ते में छह दिन क्लासेस होती हैं जिसमें से तीन घंटे के आपके डेली लेक्चर होते हैं आपको डीपीपी दी जाती है वीडियो सॉल्यूशन लेक्चर के नोट्स एंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग टेस्ट भी दिया जाता है आप फिजिक्स वाला के स्टोर्स की उनकी पी की बुक भी खरीद सकते हैं फिजिक्स वाला के किसी भी कोर्स या मटेरियल पे अगर आपको डिस्काउंट चाहिए देन यूज माई कोड एच एस सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए मिस्टेक यार मेरे से यही हो गई कि मैंने कोई मिस्टेक ही नहीं करी क्योंकि ना मतलब कोई मैंने तैयारी की नहीं थी जब तक जई की तो मिस्टेक ये थी कि मैंने तैयारी नहीं करी और इसकी क्या मिस्टेक थी मेन बात है कि आ, मैं अखबार में जैसे आई आई टी नाम आता रहता है ना तो मतलब जितनी हाइप है वो देख के हमारे मतलब ऐसा डर का सा था कि यार ये तो मतलब नॉर्मल लोगों के बस की बात नहीं होती तो गलती यही थी कि उसको कुछ ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट करना खुद को कुछ ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करना और इसलिए ट्राई ही ना करना ये तो मजबूरन जब अपन को बोर्ड से सी ओ का इंट्रोडक्शन हो गया या बोर्ड्स की वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन बंद हो गए तो उसकी वजह से मजबूरन जे करनी पड़ी और वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ पर गलती ये थी कि अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए खुद को ज्यादा ही

पर मैं ये पूछूंगा आपसे जैसे क्यों अच्छा नहीं गया एक तो आपका रीज़न हो है, सकता है कि ठीक है साहब मेरी तैयारी अच्छी थी लेकिन मैं वहाँ पर जाकर एंगजाइटी के चलते नहीं कर पाया तो ठीक है जो रीज़न था वही एंगजाइटी के चलते नहीं। आप नहीं कर पाए तो दुनिया भर के मॉक टेस्ट दो एक रीज़न ये हो सकता है कि मान लीजिए आपके एक नंबर आए और आपका सिलेबस ही डेढ़ नंबर का कवर था मतलब आप अपने सिलेबस कवर्ड में अस्सी नंबर ले आए तो आपका जो लैकिंग पॉइंट रहा वो था कि भाई सिलेबस कम था तो आप सिलेबस करो किसी का ये सकता है कि किसी ने 300 नंबर का सिलेबस कर रखा हो वो फिर भी सौ ही नंबर ला पाया हो और उसकी मतलब एक्यूरेसी अच्छी ना हो तो मैं कहूँगा कि मतलब या फिर मान लीजिए किसी ने 200 सौ के कर रखा हो वो उसमें भी 100 नंबर लाया हो तो मैं कहूँगा सिलेबस अभी आगे के लिए रोको जो आपको अपने नंबर बढ़ाने हैं वो नए सिलेबस की जगह पुराने सिलेबस से ही बढ़ा लो अभी जब उसमें एक अच्छा खासा मान लीजिए 80 परसेंट्स को आने लग जाए कि 200 का सिलेबस कवर है उसके एक आने लग जाए तो आगे बढ़ो तो जहाँ पर की वजह से फर्स्ट अटैम्प्ट बेकार गया उसी पर ध्यान देंगे ना मतलब एक फिक्स फिक्स नहीं है कि ऐसा ही करना है अपने हिसाब से करो हर बंदे के लिए ये अलग अलग होगा तुम्हारा जिस रीजन की वजह से पहला अटैम्प अच्छा नहीं हुआ उस रीजन को फाइंड आउट करो एंड उसके अकॉर्डिंगली एपल अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करो है ना देखो इसलिए बोलते ना हर बच्चे की इतनी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है वो हम एक नॉर्मल जो जेनविन हम जो देते हैं सामने से कोई भी स्ट्रैटेजी बताते हैं कुछ भी बताते हैं वो एक ओवरऑल एक नॉर्मल स्ट्रैटेजी होती है जो तो सब पे अप्लाई होती है बट अपनी इंसान की खुद की स्ट्रैटेजी उसे हमेशा खुद से ही बनानी होती है किसी भी अंधा भरोसा करके उसकी कहीं बातों को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना होता है

कि अभी इलेवंथ को तो बिल्कुल साइड में रख दे सिर्फ अभी भाई हमको तो जे ही है ना 11 ट्वेल्थ पहले ट्वेल्थ वाला काम कर लो बोर्ड्स खत्म होती है पूरा अपने एलेवंथ पे शिफ्ट हो जाना जब तक आपके बोर्ड्स चल रहे हैं तब तक ट्वेल्थ को अपने अच्छे से करो और मुझे नहीं लगता अगर आपकी जेई लेवल पे तैयारी है तो बोर्ड्स बेकार जा सकता है

अपनी वीकनेस के अनुसार और साथ में सिर्फ वीकनेस नहीं और साथ में जो जेई की हाई वेटेज के चैप्टर्स हैं उनके अनुसार प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए और ना कि ऐसे कि कोई भी फिक्स पैटर्न हमने कहीं भी देख लिया उसके हिसाब से अपने हिसाब से देखो कि किस किस चैप्टर में जो मार्क्स अपॉन टाइम का रेशो है वो सबसे ज़्यादा है कि टाइम कम लगे मार्क्स ज़्यादा आ जाए क्योंकि टाइम ऑब्वियसली कम है और नाइन्टी नाइन परसेंट इतने कम लाना इतने कम समय में लाना बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा कि ईजी होने वाला है तो चैप्टर्स उस तरीके से उठाने चाहिए बिल्कुल सिलेक्ट करके कर जिसमें टाइम कम लगे नंबर ज्यादा है जैसे वेक्टर 3D टाइप के देखो इसमें मैं भी कुछ चीजें एड ऑन करना चाहूंगी कि जैसे कि अभी बोला विनीत ने कि हमें वो चैप्टर्स करने चाहिए जिसमें टाइम कम लगे बट मार्क्स ज्यादा क्योंकि हर क्वेश्चन से हमें चार नंबर ही जी, मिलना चाहे तुम तो बहुत ही लंबा डिफिकल्ट क्वेश्चन करो चाहे एक डायरेक्ट रटा रटाया क्वेश्चन करो किसी केमिस्ट्री का है ना तो पहले तुम्हें तो के चैप्टर्स करने चाहिए और इसके ऑलरेडी हर कोई पीडीएफ देता है ना मेरे ऐप एग्जाम हाईफेन पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी जाके की कौन से के चैप्टर्स है उसके अकॉर्डिंगली तुम अपने लिए चैप्टर्स डिसाइड कर सकते हो एंड यस yes, भाई अगर तुम अभी से जीरो से स्टार्ट करके लाना चाहते हो तो भाई मेहनत तो बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी थैंक यू ये इतना आसान नहीं होने वाला है तुम्हें घिसना पड़ेगा ये इम्पोसिबल नहीं है बट यस पॉसिबल करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ओके okay. exactly. और मैं एक और चीज अपनी तरफ से ऐड करता हूं। जैसे कई लोग हो सकता है कि ये सोच के स्टार्ट ही ना कि दो महीने में नाइनटी नाइन कैसे कर लेंगे पर मैं कहूंगा आपने सोचा स्टार्ट कर दिया तो अभी आप जहाँ पर भी हो उससे तो ऊपर ही जाओगे ना मैंने मान लिया कि आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे थे अब तक पर क्या पता प्राइवेट में स्कॉलरशिप मिल जाए अगर आप प्राइवेट से क्या पता एनआईटी में आ जाओ एनआईटी exactly. से आईआईटी में आ जाओ ऊपर ही जाना है नीचे कुछ है ही नहीं तो स्टार्ट करिए दो एक्जेक्टली वो जे का बोलते हैं ना ग्राफ इस तरीके का होता है मैक्सिमा मिनिमा आता है बट ओवरऑल हाँ। आप ऊपर ही चले जी. जाते हो आप हाउ टू कीप गोइंग ऑन डिस्पाइट ऑफ कमेंट्स मेड बाय अदर्स एंड हाउ टू स्टे काम हाउ यू ओवरकम हाउ यू ओवरकम यूर पियर प्रेशर लाइक टू बी ऑनेट टू मच प्रेर एक दोस्तों को देखने के बाद दूसरों के कॉमेंट्स एंड उनके बातों से खुद को कैसे बचा के रखें खुद को कैसे काम रखें इस प्रिपरेशन की जर्नी में आ, तो पहला क्वेश्चन का पार्ट में आंसर करता हूँ की अगर आपके कोई भी मान लो कमेंट पास कर रहे हैं कि मतलब वो कुछ भी नेगेटिव कह रहे हैं तो अपने दिमाग में ऐसा माइंड होना चाहिए कि यार अभी बस तीन महीने की बात यही बात बची है फिर मैं बहुत दूर कहीं अपने कॉलेज में पढ़ रहा जो भी ये बोल रहे हैं शायद आप इनसे कभी अब जिंदगी में कोई शादीवादी है मिलो या कोई ऐसे ही भाई घर जा रहे हो तो उनसे आप कोई मिलोगे ही नहीं आप सिर्फ मिलोगे अपने अब अगले चार साल में या तो कॉलेज के नए दोस्तों से या अपने मम्मी पापा से और मम्मी पापा ये सब डिमोटिवेट करते नहीं है ना तो जो लोग कर रहे हैं उनसे आपको मिलना ही नहीं भाई मान लो कि ठीक है बोल रहे हैं बोल रहे हैं तो अपन मिलना ही नहीं इनसे बाद में कभी और क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था कि पीयर प्रेशर वाला तो मेरे ख्याल से पीयर प्रेशर बहुत अच्छी चीज़ है मतलब क्योंकि एक ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग में जो ऑफलाइन कोचिंग की कुछ बेनिफिट्स हैं ओवर ऑनलाइन वो यही है कि वहाँ पर पीयर प्रेशर मिल जाता है यानी कि अगर मैं मान लो एल में नहीं जाता अपने ड्रॉप ईयर में तो मुझे वो पता ही नहीं चलता कि भाई लोग ऐसा भी करते हैं मैं देखता ही नहीं क्लास में कोई खाली कॉफ़ी को, का पैकेट खा रहा है सूखा जिससे कि अटेंटिव रहे तो अगर वो सब मैं नहीं देखता अगर इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिलते अगर ऐसे नजरिया नहीं दिखता कि कि लोग इतनी मेहनत करते हैं। तो तो मेरे ख्याल से 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 पीयर प्रेशर अपन को को मोटिवेट होना चाहिए चाहिए। ये कर रहा है तो मैं भी करूंगा। और काम करना एवरीथिंग इन पॉजिटिव पॉजिटिव वे। हर चीज सीखो नेगेटिव पॉइंट्स पॉइंट्स ना देखे, उसके में तो तुम इसको बहुत ही अच्छे आंसर कर सकते हो है ना तो किसी बच्चे ने पूछा है कि मैथ्स इस बार बहुत हमेशा की तरह बहुत हार्ड आ रही है और पेपर में भी उसके सवाल नहीं बन रहे हैं तो ये दो महीनों में कितने साल तक के पीवाई क्यूज लगाने सही होंगे मैथ्स में एंड मैथ्स को कैसे इंप्रूव करें अच्छा तो यार मैथ्स की, की पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि इस चीज़ को तो पहली बात एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि मैथ्स हाँ टफ है एक्सपेक्ट ये कभी नहीं करना कि केमिस्ट्री और फिजिक्स जैसे हम मैथ्स को घुमा लेंगे मैथ्स मैथ्स ही रहेगी ठीक है और मैथ्स को अगर अगर आपको मैथ्स हार्ड लग रही है जो कि लगेगी उसको हार्ड लगना एक्सेप्ट करना है और उस पर लगे रहना है जैसे कि जब मैं भी अपने स्टार्टिंग में था तो शुरू के तीन चार चैप्टर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते थे मैं अपने उन दोस्तों के साथ बैठ जाता था जिनको पहले ही नाइन्टी नाइन परसेंट आई ला चुकी है जिससे कि वो मेरे को समझा दे क्लास के बाद में कि साहब ये बात हुई है इसमें तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि हार्ड है और जब तक वो समझ नहीं आए ना चाहे टीचर से पूछो चाहे ऑनलाइन डाउटनेट पर देखो कुछ भी करो पर वो जब तक समझ नहीं आए तब तक उठो मत क्योंकि अपना माइंड उस तरह में डेवलप करना पड़ेगा इतना हाई लेवल पर माइंड ले जाना पड़ेगा कि हमको आगे चीज़ें अपने आप समझाने लग जाए तो वो जब तक समझ नहीं आई कोई बात नहीं, नहीं आई पर समझो अलग अलग सोर्स से समझो जहाँ से आ जाए और पी वाई की की बात रही तो कितने ईयर्स के पी वाई के मेरे ख्याल से वो मैटर नहीं करते मैटर करते हैं कि कितने तरह के आपने पी वाई क्यूज़ लगाएँ अगर आप पिछले दस साल के भी पी वाई के बिल्कुल सेम टाइप के लगा लो तो वो जीरो वैल्यू करते हैं पर अगर पिछले तीन साल के बिल्कुल exactly. ऐसे जो वैल्यू एडिशन करते हैं, हैं, जो अलग-अलग जा रहे हैं, जिनको yeah. करके लगे कि यार कुछ 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 मजा आया, हमने, वो करने चाहिए। साल वाल से से नहीं करता, पर चैप्टर मेरे ख्याल अराउंड अराउंड टू ऑलरेडी तुम लाइक ठीक है एकदम सिमिलर से क्वेश्चंस करोगे तो उसका उतना फायदा अच्छा। नहीं होगा बट अगर तुम वो क्वेश्चंस जो तो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं जी में ऐसा पैटर्न हर सब्जेक्ट में यार कि इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बार बार आता है ठीक है एंड वो अच्छे क्वेश्चंस करोगे तो वो तुम्हें ज्यादा बेनिफिट करेगा हमारे ऐप एग्जाम हाई पे हमने लॉन्च किया था टॉप टेन मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट रिपीटेड चैप्टर फ्रॉम ईच फ्रॉम ईच चैप्टर ठीक है उसमें हमने इसको ऐसा बनाया था कि हर चैप्टर से केमिस्ट्री फिजिक्स के हर एक चैप्टर से वो दस क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं एंड

ऐसी ही हालत है कि बोर्ड्स में सेवेंटी फाइव भी नहीं आ रही तो तो डेफिनेटली बोर्ड्स पर अगर ऐसा है कि भाई बोर्ड्स में मान लो अस्सी पिचियासी आ रही है तो मैं आपको अपना एग्जाम्पल देकर बात करूँ मान लो आपकी आप मतलब बोर्ड्स में ज्यादा लाने का चेस करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं मान लो बोर्ड्स में आप नाइन्टी फाइव लिया फिर क्या मतलब हम कहीं जगह इनपुट देने तो चाहेंगे ना आउटपुट मिले अगर बोर्ड्स में ज्यादा आई जाए तो करें क्या उसका कुछ होगा ही नहीं इससे बढ़िया जेई में ही ध्यान देना चाहिए पर अगर ऐसा है कि सेवेंटी फाइव भी नहीं आ रही तो तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से लेक्चर्स जे टाइप के ले लेने चाहिए पर अभी जेई की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसको पॉज करके बोर्ड्स के जो क्वेश्चन है उनका पैटर्न समझ के कि कैसे लिखना होता है ये सब बोर्ड्स तक देखा उसके बाद जेई के क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करी क्योंकि सेवेंटी फाइव से नीचे है फिर तो बोर्ड्स के ऊपर ही अभी ध्यान देना चाहिए वरना जेई सीधा जेई एग्जैक्टली yes, exactly. mm -hmm. देखो ऐसा है कि पहले ना देखो पहले ऐसा था कि बोर्ड्स के मार्क्स पे मोस्टली आपकी डीयू के कॉलेजेस और बहुत सारे कॉलेजेस बोर्ड्स के, के मार्क्स पे मिलते थे बट अभी कोई मतलब ही नहीं आप उसके लिए भी आपको अलग से सीयूईटी और ये सारे एग्जाम देने mm -hmm. पड़ेंगे राइट तो आई डोंट थिंक कि आपको अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम अस्सी के ऊपर या ऐसे करके परसेंटेज आराम से ला सकते हो ज़्यादा टाइम उधर वेस्ट वेस्ट नहीं करना चाहिए बट भाई देखो इतना उसको मत लेना कि 75 के नीचे भी ना मतलब ऊपर ना आए और नीचे आके तुम फिर सब कुछ खो दोगे, है ना ठीक है अगला क्वेश्चन है इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग सक्सीडिंग चैप्टर हाउ वुड वन रिवाइज प्रीवियस ईयर चैप्टर

मान लीजिए हम अभी सर्कल्स पढ़ रहे हैं सर्कल के बाद हम पढ़ेंगे पैराबोला तो सर्कल पढ़ने के दौरान सर्कल के क्वेश्चन मत करो सर्कल पढ़ लिया तो सर्कल पढ़ने के दिन में सर्कल्स के भाई साहब लेक्चर ले, ले लिया और शाम को आपने स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन कर लिए फिर जब सर्कल खत्म हो गया तो आप जब पैराबोला आया तो अब सर्कल खत्म हुए तो दिन हो चुके हैं क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं सर्कल चलते हुए तो अब जब पैराबोला चल रहा है दिन में तो शाम को जब आप सर्कल करोगे तो पहली बात वो ऑलरेडी सर्कल का जो आपने कुछ दिन पहले पता है उसका रिवीजन हो रहा है दूसरी बात ये उससे आप अपने क्वेश्चंस ये फ़िल्टर कर पाओगे कि कौन से हमको मार्क करने आगे फिर से देखने के लिए क्योंकि मान लीजिए दिन में हमने पढ़ा पैराबोल और शाम को हम पैराबोल के क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो तो हो ही जाएंगे ना दिन में ही तो पढ़ा है क्यों नहीं होंगे तो अगर आप नेक्स्ट चैप्टर में अपने पिछले वाले चैप्टर्स के क्वेश्चन करेंगे तो वो रिविज़न का, का काम भी करता है और वो एक फ़िल्टर आउट क्वेश्चन भी हमको पहचानने में मदद करता है और वरना अगर ठीक है बहुत दिन हो गए तो उसके बाद मेरे ख्याल से पर चैप्टर को हम ऐसे रिवाइज़ करते हैं तो बहुत टाइम लगता है इससे बढ़िया हमने अब तक जितना भी सिलेबस कर रखा है उसका टेस्ट दो

तो एक बार उसको देखना नहीं तब ऐसे ट्राई करना है कि असली में भूला वो नहीं भूला और अगर भूल गए हो तो देख लो और आगे बढ़ जाओ और अगर हो सकता है आप नहीं ही भूले हो मतलब अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ाए तो हमको idea तो रहता ही है कि क्या चीज़ थी और हम डिराइव कर लेते हैं उसको हम्म ओके next question everybody. Everybody no uh, कोई बच्चा रहा है विनी तो क अच्छा इंजीनियरिंग की कोई ऐसी कैसे हो मतलब अच्छा चले ठीक है एक साइंस वाले बंदे के लिए दो ही दो ही फील्ड आ आगे या तो वो बीएससी करेगा बीटेक करेगा ठीक है और कोई भी फील्ड ले लो वो बीटेक के द्वारा वो बीटेक करने के साथ ही आगे बढ़ते हैं बी एस के साथ मतलब या और कोई भी ऑप्शन के साथ बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बी की बात करूँ तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे उसके बाद या तो वो टीचिंग प्रोफेशन में जाएंगे या पी करके वो कॉलेज के टीचिंग प्रोफेशन में आएंगे जो कि अच्छा है पर अगर हमको कुछ भी करना है यार कुछ भी करना है

कुछ भी बन सकते हैं बट बाकी प्रोफेशन में तुम भले ही एक चीज में लिमिटेड हो जाओ बट यहां कोई लिमिट नहीं है तुम जाके देख लो इंजीनियर किस फील्ड में नहीं है भाई हर फील्ड में भरे पड़े हैं तो so, ऐसा तुम्हें लाइक बोलने से पहले भी सोचना चाहिए बस जिस बंदे ने भी बोला है ना उसको जाके ये बताना ठीक है जिसने भी तुमको बोला है एवरी जो तुमने लिखा ना एवरी इज इज उस वन उन सारे एवरी को ये चीज बताना कई जगह तो बीटेक के अलावा कोई डिग्री के नहीं करेंगे इंजीनियरिंग तो क्या करेंगे बताओ फिर कौन सा ऐसा पाथ है जो बहुत ही आसान है बहुत

बचपन से ही सेवन्थ क्लास से मैंने कोई भी ट्यूशन ज्वाइन कर लिया मतलब कुछ नहीं था कि ये करना है वो करना है जो अपना करना है उसे क्योंकि ऐसा था कि मैं स्कूल में काफ़ी शरारती था पर फिर भी मेरे मार्क्स बढ़िया से आते थे तो उन्होंने ऐसा कभी आज से फोर्स नहीं किया कि मतलब ड्रॉप मेरे को नहीं लेना होता तो मैं नहीं लेता अगर लेना होता तो ले लिया जैसे आई आई छोड़ के एन में सी ली तो वो ले ली अगर आई लेनी होती तो वो लेते ऐसा उन्होंने कभी कुछ प्रेशराइज नहीं किया और ये मेरे को काफ़ी अच्छी बात लगती है पर वो इसलिए क्योंकि मैं काफ़ी अपने तरफ से ही सब चीज़ें मैनेज कर लेता था अगर किसी के पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं ड्रॉप लेने पे तो मेरे ख्याल से उनको आपको ये चीज़ बतानी चाहिए कि जे इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू आफ्टर ट्वेल्थ और ड्यूरिंग इलेवन ट्वेल्थ क्योंकि भले ही जे ना भी हो जबकि आप ले रहे हो तो मैं कह रहा हूँ होगा बिल्कुल होगा पर एक बार को अगर मैंने मान लिया ना, ना भी हो तो मुझे अभी भी लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जो जे आया उसकी वजह से एक पूरा आदमी का माइंड बदल जाता है और करना ही चाहिए यार एक्जैक्टली अगर नहीं करा तो ठीक है अपने पेरेंट्स से पूछो कि अब मैं कहाँ जाऊँ

मतलब यार ये ना पता है सिर्फ तुम्हें पढ़ाई की नहीं तुम्हारी लाइफ में तुम्हें ना बहुत कुछ सिखा देता है कि हार्ड वर्क कैसे करते हैं क्या लाइफ का पहला ही तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा यार तुम्हारी लाइफ का तो सिर्फ एग्जाम्स में नहीं है हर जगह है और अब अगला इस समय सोचने में एक मिनट बहुत मजा भी आता है जैसे तब तो ऐसा बुरा ही लगता था कि पढ़ना किसको बहुत अच्छा लगता है मतलब मतलब ठीक है लेकिन अब सोचते में ना सर आता है तो अच्छा लगता है कि यार वो भी क्या दिन थे मतलब बिल्कुल मजा आके रख दिया था सिर्फ पढ़ना पढ़ना मतलब अच्छा लगता है सोचने में तो मेरे कासे मेरा तो सिर्फ एक किया था मैंने एलन मोट और कुछ नहीं लेकिन, लेकिन जैसे जो क्लास में पढ़ाते थे जैसे हमारे जो सर में वो ली से पढ़ाते थे है ना ऑर्गेनिक उन्होंने थियोरेटिकली तो मैंने एलम के मॉड्यूल्स करे पर वो टीचर्स ही अपनी साइड से अलग अलग रिसोर्स से पढ़ा देते थे, थे पर मैंने अपनी सेल्फ प्रैक्टिस एलम के हाँ। मॉड्यूल से ही करी थी और मॉड्यूल्स में जो तो क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ से होते हैं वो ऐसे ही कहीं से गिरते थोड़ी ना वो भी तो इन किताबों से ही निकाल के डालते हैं एग्जैक्टली exactly, वो पता बहुत सारी बुक्स मतलब हा, हा। तुम एलेन किसी भी कोचिंग के मॉडल को उठा के देखना ऑलमोस्ट हर एक अच्छी किताब की जो अच्छे क्वेश्चन है ना वो मिला के उसमें तुम्हें दिख जाएंगे उनकी जो एक्सरसाइज वगैरह होती है So, वो देखो बुक तुम्हारी सिर्फ एक एग्जाम के लिए डिजाइन नहीं होती है लेकिन जो कोचिंग मॉड्यूल है तुम्हारे तुम्हारे जेए मेंस, जेए के लिए होते हैं। तो वो एक चीज रहती है आ, अगला क्वेश्चन दिया था हाँ, बिटसेट दिया था उसमें मेरे 309 नंबर थे और बिटसेट में एक बड़ी फैसिनेटिंग चीज पाई कि जो मैंने बिटसेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए थे ना प्रीवियस ईयर मतलब आए थे उसमें से एग्जैक्ट क्वेश्चन उठ उठ के पेपर में फिर से आ गए एग्जैक्ट कोई वैल्यू चेंज नहीं कुछ नहीं एग्जैक्ट के एग्जैक्ट आ गए कई सारे और वहां पर मेरे को पेपर देते तो लगा कि यार ऐसा भी होता है क्या ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई तो एक तो ये और एक चीज़ और कि उसमें जो अपनी रीजनिंग और इंग्लिश की प्रैक्टिस होती है उसके लिए करनी पड़ती है उसमें रीजनिंग वाले पार्ट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इंग्लिश में क्योंकि डायरेक्ट वोकेब्लरी आ जाती है उसमें मतलब काफ़ी अच्छी वोकेब्लरी और उसमें कितनी भी आप प्रैक्टिस कर लो वोकेब्लरी में या तो आपकी बहुत लंबे समय की प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि शब्द तो यार बहुत सारे होते हैं कितने कर लोगे

गलती थी बहुत बड़ी गलती थी Seriously? बहुत बड़ी गलती थी नहीं करना चाहिए था क्योंकि वहां पर जब मैं पेपर दिया था तो मेरे हाथ से पसीने आ रहे थे मतलब तो पहली बार दे रहा था ना बड़ा बुरेकाल से लग रहा था तो वो गलती थी पर ठीक है फिर जब मैंने बाद में सेशन टू के लिए स्टार्ट किए देने तो शुरू में एक सौ अस्सी इश्कुछ आते थे फिर वो बढ़ते बढ़ते दो सौ हुए फिर टू ट्वेंटी ईश हुए और फाइनल सबसे ज़्यादा आ गए मेरी जई मेन्स में ही टू थर्टी नाइन तो ये बढ़े कैसे ये बढ़े ऐसे कि मैंने कई लोग जो गलती करते देखा जैसे पेपर दिए हमने तो लोग कहते हैं कि ठीक है पेपर दे लिया एनालाइज़ कर लिया मेरे को पता चल गया कि ये चैप्टर मेरी कमी है वो कहते हैं ठीक है मेरा एनालिसिस हो गया तो एनालिसिस तो यार जहाँ पर पेपर देते हैं जिस भी साइड पर देते हैं वो तो वही दे देता है एनालिसिस के बाद वो जो चीज़ उसने एनालाइज करके दी है कि साहब तुम्हारा ये ये क्वेश्चन गलत है उसको इम्प्रूव करना उसको अपने ओरिजिनल सोर्स जहाँ से भी आपने पहली बार उस चीज़ को पढ़ा होगा वो लेके बैठना देखना कि अब इसमें ये चीज़ है तो मैं क्यों नहीं कर पाया उसको रिकॉल करना या फिर उस क्वेश्चन को बाद में थोड़ा ज़्यादा समय देकर ट्राई करना कि क्या पता टाइम की कमी थी क्लिक नहीं हुआ मतलब उस ऐसा होना चाहिए कि पेपर को आपको देने के बाद और फिर से एनालाइज़ करने के बाद अगर आपने उस पेपर में 300 नंबर का सिलेबस मान लो कर ही रखा है पूरा सिलेबस कर रखा है तो वो पेपर के एनालाइज करने के बाद 300 में से 300 ही आने चाहिए 100 परसेंट नंबर आने चाहिए उसके बाद जितना भी आपने सिलेबस कर रखा है वरना वो देना ही सेंसलेस है क्योंकि मान लो एक नंबर आ गए और हम एक देख के बिना एक को सुधारे आगे चले गए तो एक तो आ ही रहे थे वो तो एग्ज़ाम में भी आ जाते उन एक को ही सुधारना है वो एक दो घंटे दे तो तुम्हें देना चाहिए पे, में क्या करना? ये नहीं कि मेरा कौन कौन सा सही हुआ गलत हुआ ये सिर्फ देखकर हटा दिया जो गलत हुआ वो क्यों हुआ है उसके रीजन सिली मिस्टेक्स है जो भी रीजन है को रेक्टिफाई करो तभी मार्क्स इंप्रूव होंगे वरना ऐसे सेम चीज को बार बार करते रहोगे तो मार्क्स इंप्रूव right, नहीं right. होंगे एंड यस पेपर अटेम्प्टिंग से भी चीजें सही होती है थोड़ा अच्छे से अटैप करो टाइम कैसे तुम कित को कितना टाइम दे रहे हो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चन से डर तो नहीं रहे हो वो सारी चीजें करके भी मार्क्स में इंप्रूवमेंट होती जाती है ठीक है बाकी यार विनीत का भी यूट्यूब चैनल है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देखो बहुत प्यारी वीडियोस बनाता है ये लिंक जो है इसके चैनल की हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ठीक है जाके चेक जरूर करना ठीक है और भी कोई भी क्वेश्चन हो विनीत से मुझसे ठीक है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बाकी विनीत एंड में कुछ कहना चाहोगे बच्चों को आ, मैं यही कहना चाहूंगा कि जय जो आप कर रहे हो इसमें कभी ऐसा मत सोचना कि मैं क्यों कर रहा हूं मतलब आपको आज से छह महीने बाद जब आप कॉलेज में बैठे होगे तो मजा ही आएगा रिगार्डलेस आप कोई से भी कॉलेज में आपको मिले नाम मिले आप बहुत अच्छे कॉलेज है बहुत बेकार कॉलेज में पर मजा बहुत आएगा जैसे मैं एक्जाम्पल दूँ अभी ना

ठीक है यार रविनीत आने के लिए बहुत ही शुक्रिया आपका है ना बाकी आगे मिलते रहेंगे और यस तुम लोग जो भी कमेंट्स डाउट्स जो भी होंगे कमेंट्स में लिखना मत भूलना ठीक है और भी आगे किसको हम इन्वाइट कर सकते हैं अपने इस अनफिल्टर रियालिटी पॉडकास्ट सीरीज में है ना वो बताना एंड यस मेरा ऐप है वेबसाइट है वो भी लिंक है हर बार बताती रहती हूँ जाके चेक कर लेना बहुत सारी फ्री चीजें मिल रही है जैसे अभी जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है सारे फ्री में तुमको वहां पे मिल रहे हैं सारी चीज तो जाके चेक करो चलो ठीक है थैंक यू